सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज भूम प्रदोष व्रत के दिन राशि के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत आपको दिला सकता है हर कर्ज से छुटकारा, दिला सकता है मांगलिक दोष से मुक्ति, मिल सकती है आपको बैड लक से, दुखों से, कष्टों से, मानसिक अवसाद से, डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है, गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, आइए आज जानते हैं आपकी राशि के अनुसार भूम प्रदोष पर प्रदोष काल में भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले कुछ सिंपल से उपाय आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज भूम प्रदोष पर प्रदोष काल में पानी में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, कपूर जलाकर भगवान की आरती कीजिएगा, शिव पंचाक्षी मंत्र का जाप कीजिएगा, लाल चंदन लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भूम प्रदोष पर भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करना मत भूलिएगा, मोगरे का इत्र आज भोलेनाथ के ऊपर अर्पण कीजिएगा, शिवलिंग पर अर्पण कीजिएगा, शिवलिंग का श्रृंगार कीजिएगा मोगरे के पुष्पों से, भोलेनाथ को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा, निश्चित तौर पर मंगल प्रदोष का व्रत शुभ परिणाम देगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भूम प्रदोष के दिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कीजिएगा, भांग मिश्रित दूध चंदन इत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, आग के पुष्प अर्पण कीजिएगा, मिठाई का भोग लगाइएगा। बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कच्चे दूध से, दही से, अष्टगंध से, चंदन से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा, आटे से बनी रोटी का भोग लगाइएगा, शिव मंत्रों का जाप कीजिएगा, भांग जरूर आज अर्पण कीजिएगा भोलेनाथ को, सब मंगल होगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भूम प्रदोष के दिन फलों के रस से पानी में शक्कर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, आंकड़े के पुष्प अर्पण कीजिएगा, मिठाई का भोग लगाइएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे भूम प्रदोष पे मंगल की आराधना, भोलेनाथ की आराधना आपके संपूर्ण कष्टों को दूर करेगी। बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज छाछ से और कपूर मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, महादेव को आज बेर अगर मिल जाए बाजार में तो अर्पण कीजिएगा, धतूरा अर्पण कीजिएगा, भांग अर्पण कीजिएगा, आंकड़े के पुष्प अर्पण कीजिएगा, साथ ही बिलपत्र के ऊपर नैवेद्य रख के भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे मंगल प्रदोष पे भोलेनाथ की आराधना आपको शुभ परिणाम देगी। ध्यान रखिए, चूंकि प्रदोष काल के अंदर व्रत का नाम ही जैसे मंगल प्रदोष, तो प्रदोष काल में भगवान की आराधना का नियम है, तो आज प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि है, इसलिए मंगल प्रदोष का व्रत आज किया जाएगा, कल मंगल प्रदोष का व्रत नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रदोष तिथि त्रयोदशी जो तिथि है वो दोपहर में ही खत्म हो जाएगी, प्रदोष काल के समय कल त्रयोदशी तिथि नहीं रहेगी, इसलिए आज ही मंगल प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो दर्शकों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हम मंगल प्रदोष व्रत यानी भूम प्रदोष व्रत की बात कर रहे हैं। आज अगर आप भगवान शिव को राशि अनुसार प्रसन्न करें तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी, मंगल के दोष खत्म होंगे, शिव कृपा से सुख समृद्धि आएगी। छह राशियों की बात कर ली थी ब्रेक से पहले, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु आपके बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जल में अलग अलग प्रकार के सुगंधित इत्र मिला लीजिएगा, पुष्प मिला लीजिएगा, और उस जल से भोलेनाथ का प्रदोष काल में, प्रदोष काल मतलब संध्या समय, ध्यान रखिएगा, संध्या समय में आज ऑफिस वगैरह बिजनेस के सब कामों से निवृत्त होने के पश्चात में आज आप सभी राशि के जो दर्शक हैं उनको भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करना है, जो भी उपलब्ध सामग्री हो उससे अभिषेक कीजिएगा, उसके पश्चात बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, मोगरा अर्पण कीजिएगा, गुलाब अक्षत चंदन इत्यादि से भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिएगा और अंत में आरती अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज गन्ने का रस मिल जाए उससे अभिषेक कीजिएगा, शुद्ध जल से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा, लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा, आरती कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, मसूर की दाल अर्पण कीजिएगा,
बात करते हैं धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक है। आज भात, भात किसको कहते हैं? चावल, पके हुए चावल से, चावलों को पकाने के पश्चात में शिवलिंग का श्रृंगार कीजिएगा। पहले चावल को पका लीजिए, उसके बाद पके हुए चावल को ठंडा करके शिवलिंग का श्रृंगार कीजिए। सूखे मेवे का भोग लगाइए, बेलपत्र अर्पण कीजिए, गुलाब अर्पण कीजिए, आरती कीजिए, निश्चित तौर पर सब शुभ रहेगा। जी पंडित जी, एक कॉलर ले लेते हैं आखिरी राशियों से पहले। भारती जी हैं ब्यावर से, जो कि अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहती हैं। राजकुमार जी नाम है, 19/9/1985 ये डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 5 बजे शाम का समय बताती हैं। भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं पति के लिए। जय श्री कृष्णा बेटा। बेटा ऐसा झगड़ा बेटा, भारती आपकी जो पतिदेव है राजकुमार जी, उनकी जन्म कुंडली में 2-3 समस्याएं चल रही। पहली समस्या तो यह है कि 7 साल की केतु की मां दशा चल रही है। केतु मतलब सांप की पूछ। सांप की पूछ कैसे चलती? टेढ़ी चलती है। ठीक उसी प्रकार के इनके जीवन में उतार चढ़ाव हुए। दूसरा, इनके नौकरी के क्षेत्र में चंद्र और शनि दोनों साथ बैठ गए। वहाँ पे चंद्रमा जो है नीच का है, चंद्र शनि जब साथ बैठ जाता है तो विष योग बनाता है। इस वजह से नौकरी के क्षेत्र में कभी भी स्थिरता से काम नहीं करेंगे। तीसरा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर एक इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। दाम्पत्य घर का स्वामी मृत्यु स्थान में, मृत्यु स्थान का स्वामी दाम्पत्य में। पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद रहना, पत्नी के सुखों में कमी होना। तीसरा, इनकी जन्म कुंडली में गुरु नीच का होके बैठा है, द्वादश भाव में अपमान है, पेशकोट कचहरी करवाता है। यदि आप चाहते हैं कि इनके जीवन में नौकरी में स्थिरता रहे, इनके पर्सनल लाइफ में मैरिड लाइफ के अंदर सुख आए, स्थिरता रहे, पॉजिटिविटी आए, योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहले तो विष दोष की पूजा करवाइए। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति जो नीच के हैं और चंद्रमा जो नीच का, उसकी पूजा करवाइए। दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन सूर्यास्त के बाद बंद करवा दीजिए। एक चांदी का चंद्रमा जो बच्चों के गले में पहनाते, 8 चंद्रमा लीजिए। आपके पतिदेव को बोलिए हर चंद्रमा को या हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर अर्पण करना है और उसके साथ में घर के अंदर साबुदाने की खीर बनानी। शुक्रवार को माता रानी के भोग लगा के दोनों पति पत्नी ग्रहण कीजिए। ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। चलिए आखिर में मकर कुंभ और मीन आपके लिए जान लेते हैं, आज आपको मंगल प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करना है। मकर राशि की बात करते हैं, पंचामत से भोलेनाथ का आज अभिषेक कीजिएगा। गेहूं को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, ढक दीजिएगा, फिर विधिवत पूजा कीजिएगा। जब पूजन हो जाए तो सारा गेहूं इकट्ठा कर लीजिएगा, जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। आज सफ़ेद काले तिल को जल में डाल दीजिएगा, मिला दीजिएगा और फिर उससे भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर काले सफ़ेद तिल अर्पण कीजिएगा, भांग धतूरा अर्पण कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, आरती कीजिएगा। अंतिम जो राशि है मीन राशि, आज आपको अलग अलग प्रकार के रसों से, जूस जो बोलते हैं हम, शिवलिंग का अभिषेक करना है। ध्यान रखिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए बिलपत्र अर्पण करना है, आरती करनी है। शिवलिंग के ऊपर आज आपको चने की दाल अर्पण करनी है और पूजन के बाद उस दाल का आपको दान कर देना है। आज संध्या समय में कोई पार्टी नहीं होगी, आज संध्या समय में सिर्फ भोलेनाथ की आराधना होगी। अगर आज ये संकल्प कर लें तो निश्चित तौर पर मंगल के साथ साथ में भोलेनाथ का भी शुभ